ଧାନ କିଣାରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଏମ୍ଏସ୍ପି ହଟିଯିବାର ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧୀ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ିଲା, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କିଣାରେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏମ୍ଏସ୍ପି ସହ ଧାନ କିଣାରେ ହେଲା ରେକର୍ଡ 799 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ପଞ୍ଜାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶା। ଡାଟା ଜାରି କଲା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ। केन्द्र सरकार कृषि संस्कार पर आनीथिबा तीनिटि कृषि आईन विरोध में देश में दीर्घ दिन धरी जारी रही कृषक आंदोलन। एमएसपी हटिजिबो कृषक एवं कृषि उत्पादन पर यार प्रभाव पड़े बोली विरोधी राजनैतिक दलगुड़िक जो अपप्रचार करते भूल प्रमाणित होई। एमएसपी बढ़ी नुआ कृषि आईन जो बढ़ी देशर विभिन्न कृषिजात सामग्री उत्पादन एवं उपकृत होती देशर कृषक। भारतीय खाद्य निगम बा एफसीआई तरफ जारी होता तथ्य अनुसार धान एवं गहम संग्रह पूर्व रेकर्ड को भांगी भारत। धान किणे सर्वकालीन रेकर्ड सृष्टि कर एफसीआई 2020-21 खरीफ मार्केटिंग सीजन में धान संग्रह परिमाण रही 799 लक्ष मेट्रिक टन, जहां पूर्व सीजन ठार 16 लक्ष मेट्रिक टन अधिक। 2019-20 मार्केटिंग सीजन में यह 773 लक्ष मेट्रिक टन। धान संग्रह में पंजाब आगुआ थी बेले पछक रही तेलेंगाना और ओडिशा रही तृतीय स्थान में। नुआ कृषि आईनर सुफल जो आगक खरीफ मार्केटिंग सीजन में अधिक धान संग्रह हो आशा कर। रबि मार्केटिंग सीजन में गत मे मस 28 तारीख सुधा गहम किणा 405 लक्ष मेट्रिक टन में पहुंची एफसीआई तथ्य जमापड़। यह पूर्व मार्केटिंग सीजन ठार 4% अधिक। पूर्व रबि मार्केटिंग सीजन में 390 लक्ष मेट्रिक टन गहम संग्रह होता। यह पूर्व कौन ऋतु में एत पर होन गहम संग्रह प्रथम थर पर 400 लक्ष मेट्रिक टन रु ऊर्ध गहम संग्रह होता एक सर्वकालीन रेकर्ड बोली प्रकाश कर एफसीआई। तेरे बड़ कथा धान भली सबुठ अधिक गहम संग्रह हो पंजाब जोटि कृषक मैंने बहु परिमाण कृषक आंदोलन में भाग नहीं। पंजाब पछक रही मध्यप्रदेश और तृतीय रही हरियाणा। पूर्ववर्ष अधिक गहम संग्रह मध्यप्रदेश रही जहाँ एथर टपि पार्टी कृषक आंदोलन राज्य पंजाब। मुख्यतः दुईट लक्ष्य नहीं एफसीआई जरिए खाद्यशस्य संग्रह करेंद्र। प्रथम लक्ष्य है कृषकों उत्पादर उपयुक्त एमएसपी देवा और द्वितीय लक्ष्य है साधारण बंटन व्यवस्था माध्यम रे देशर आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोकों पर सुविधा मूल्य रे खाद्य शस्य जोगाइबा। केन्द्र सरकार को नुआ कृषि आईन ए दुईट उद्देश्य को पूरण करने दिगरे सफल होई छि बोली प्रमाण करछि एफसीआई तथ्य। ब्यूरो रिपोर्ट, हरगस न्यूज़।